और कोरोना संकट को लेकर गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई और बैठक में मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि 64 ट्रेन आ चुकी है, 76 ट्रेनों को एनओसी दी जा चुकी है। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार बेहद चिंतित है, बसों से भी 60,000 से ज्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं। सरकार के छोटे दुकानदार हो या फिर टेम्पू चालक हो या फिर इससे सहित दूसरे लोगों के लिए भी यह चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि हर दिन 2,000 लोगों को कोरोना की जांच कराई जा रही है। प्रवासी मजदूरों के आने से लेकर उनके रहने और खाने की मुकम्मल व्यवस्था की गई। भोजन की, पानी की, रहने की कहां कमी खामी है और कैसे ट्रेन और 76 ट्रेन का एनओसी हम लोगों ने दे दिया है। 64 ट्रेन आ चुकी है और 76 ट्रेन का एनओसी दिया गया है, वो आने की स्थितियाँ में है। बहुत जगह पर बस जा रहे हैं, अभी तक करीब 68,000 लोगों को हम लोगों ने बस से लाने का काम किया है। ठेला वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जिन लोगों ने उधार लेकर गाड़ियाँ खरीदी हैं, उन लोगों को कैसे करके उनको अभी 3 महीना तक उनको उनसे पैसा नहीं लिया जाए और साथ में जो इंटरेस्ट का पैसा है वो भारत सरकार को हमारी सरकार लिखेगी कि वो भारत सरकार 3 महीना का जो पैसा इंटरेस्ट का वो पैसा उसका माफ़ किया जाए। प्रत्येक दिन करीब करीब 2,000 के करीब टेस्टिंग की सुविधा बहाल हो रही है। 3 हमारे नए जो है लैब तैयार हो रहे हैं, वो हमें लगता है कि कुछ ही समय में तैयार हो जाएंगे, जिससे हमारा टेस्टिंग का जो हमारी शक्ति है वो बढ़ जाए। एक भी आदमी भूखा ना रहे, इसके लिए सभी चीज़ों पर हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक पहल की है और हम समझते हैं कि जहां पर भी कहीं भी कमी खामी होगी, उस कमी खामी को दूर करने के लिए हम लोग एकदम सूक्ष्म सर्वेक्षण करेंगे कि जो माइग्रेंट लेबर आएंगे, जो हमारे स्टूडेंट आएंगे, जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, जो लाने की व्यवस्था है ट्रेन और बसों से, जो आम लोगों को पास देना है और जो हमारे गरीब लोग हैं, टेम्पू चालक, रिक्शा वाले, ठेले वाले, गुमटी वाले, इन लोगों को कैसे सुविधा दी जाए, इस पर विचार हुआ है। नहीं, भय नहीं, कोई हम लोगों में अंतर्द्वंद्व नहीं, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं और सारी चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री का सूक्ष्म निरीक्षण है।